राम राम दोस्तों, ये है हमारा नया वाटर पॉइंट यानी नई खेड़ी जो हमने बनाई है डेजर्ट के बीचों बीच। और यहाँ आप देखो खेड़ी के ऊपर हिरण खड़ा है और टैंकर पानी पीने के डालने के लिए आ रहा है। इसमें पानी है अभी। तो इस खेड़ी को बनाने के लिए हमने जो तकनीक यूज़ की है उसमें आप देखेंगे, सबसे पहले हमने एक खूंटी लगा करके एक 13 फिट का घेरा बनाया, 13 फिट की रस्सी लेके, और फिर इसके अंदर हमने चूना डाल दिया तो ताकि वो लाइन दिखती रहे ये पूरी, जैसे भी खुदाई करे तब। अब इस खुदाई को जो है वो हमने जेसीबी के जो बीच के अंदर आप वो सफ़ेद देख रहे हैं वहाँ से हमने एक 3 फिट का गड्ढा किया और उस 3 फुट के गड्ढे को इस लाइन से हमने, जो सफ़ेद लाइन दिख रही है, इसे हमने स्लोप करवा दिया ताकि एकदम से खेली जो है वो स्लोप बने। ध्यान रहे मित्रों, ये गड्ढा जो है वो अधिक गहरा नहीं होना चाहिए क्योंकि अधिक गहराई वाली खेड़ी के अंदर जो है वो हिरण पानी पीने के लिए नहीं जाते हैं। इस गड्ढे को अब जो है वो फावड़े से अच्छे से स्लोप कर लेवें ताकि एकदम से स्लोप बन जाए। और उसके अंदर फिर हमने लगाई है ईंटें, टाटा की अच्छी ईंटें जो हमने खरीदी, 6 रुपये की एक ईंट आती है, और ये ईंटें हमने करीब 2000 ईंटें इसके अंदर ये बिछा दी है और सबके बीच में एक गैप रखा है और उस गैप के अंदर मसाला भर सके आराम से। तो पूरे इस स्लोप एरिया के अंदर हमने ईंटें बिछा दी है और ईंटों के बीच के अंदर गैप रखना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाला जो है वो सीमेंट का मसाला इसके अंदर जाएगा तभी मजबूत बनेगा। आप बिल्कुल एकदम पास पास में अगर लगा देंगे तो उसके अंदर मसाला नहीं जाएगा और ऊपर से पपड़ी उखलने के बाद में पानी जो है वो रिसेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो करीब 1800 से 2000 ईंटें लगने के बाद में ये खेली जो है वो तैयार हो जाती है और इसके अंदर जो है वो करीब 1.5 टैंकर पानी, 1.5 से 2 टैंकर पानी आ जाता है आराम से। तो अब आपको जो है मसाला बनाना है और 8 कट्टा सीमेंट और 1 ट्रॉली बजरी उसको जो है वो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है और उनका मसाला बना करके इसके अंदर पूरा भरना है। और मसाले को ये देखो आप पूरा नज़ारा, हमने पूरी ईंटें अब जो है वो राउंड हो गई है, अब राउंडिंग का काम लास्ट में तैयार है और मसाला भी तैयार हो रहा है। तो राउंड करने के लिए एक एक ईंट जो है वो सारों और आपको लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो छोटे जानवर बाहर नहीं जा पाएंगे, तो गहरी नहीं करनी है। एक ईंट वो भी मतलब 3 इंच जो सपटी ईंट होती है उसको राउंड में रखना है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी छोटा जानवर अंदर आराम से आ जाएगा। बाकी अगर हम 3-4 ईंटें रख देंगे तो फिर वो काम नहीं आएगी। तो ईंटों को एक बार गहरा भिजो लें ताकि ईंटें सूखे नहीं और मसाला अच्छे से चिपके, तो पूरी ईंटों को जो है वो भिजो देना है। ये राउंड का काम है। अब देखो एक एक ईंट हमने रखी है, सिर्फ एक ईंट रखा है, तो इस एक ईंट को पूरा दबा के बढ़िया से सीमेंट कर देंगे तो मजबूती हो जाएगी जो खेली की जो राउंड है, कोर होती है, वो बड़ी मजबूत हो जाएगी। अब ये पूरा राउंड होने के बाद में हमने मसाला डालना स्टार्ट किया है और मसाला एकदम गीला बढ़िया से बनाना है और इस गीले मसाले को इस ईंटों के बीच के अंदर आराम से भरना है पूरा, कहीं से भी कोई भी जगह खाली नहीं रहे। तो मसाला जितना सारों ओर से जितनी ईंटें हैं सबके अंदर भरा जाएगा उतनी ही खेली मजबूत बनेगी। और मसाला का काम चल रहा है, आप देखो मसाला पूरा होने के बाद में इसको 1-2 दिन के लिए जो है वो छंटाई करनी है और छंटाई करने के बाद में इसको खेली को भर देना है। अब ये खेली तैयार हो जाती है और इसके अंदर जो है वो करीब 1.5 से 2 टैंकर पानी आ जाता है आराम से। तो आप सब मित्र जो है वो अपने अपने क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए ऐसी खेली बना सकते हैं। इस खेली की खासियत ये है कि इसमें ऊँट से लेकर के एक नेवला तक पानी पी सकता है, छोटे से लेके बड़ा जानवर सब पानी पी सकते हैं। और जो हमारे पहले सरकारी खेड़ियाँ बनती थी वो 2.5 फीट ऊंचाई की होती थी, तो उसके अंदर कोई भी छोटा जानवर जो है वो पानी नहीं पी पाता था, तो वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ से प्लान कर जाती थी। तो आपके आसपास अगर वाइल्ड लाइफ है, हिरण है, लोमड़ी है, खरगोश है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, तो उनके लिए आप इस तरह की जो है वो खेड़ियाँ ज़रूर बनाएँ। कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, 30,000 के करीब में ये खेली आराम से बन जाती है और इतनी बढ़िया जो है वो वाइल्ड लाइफ इसमें पीती है। हम आपको इसके नज़ारे भी बाद में ड्रोन से दिखाएंगे। और कड़ी धूप के अंदर हमने ये बनाई थी, 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दी थी, करीब 7-8 इसमें लेबर लगी है और पूरा 3 दिन के अंदर हमने जो है इसको कंप्लीट किया था। हालांकि धूप बहुत थी लेकिन धूप में भी हमारा काम जारी रहा और ये स्लोप कर दी है बाद में, पूरी कवर करने के बाद में जो है इसको हमने रेत डाल के कवर कर दिया है। और अब ये देखो आप हिरण वगैरह पीने आ गए हैं।
पीछे पूरा डेजर्ट एरिया है, आसपास 3 किलोमीटर में कहीं पानी नहीं है और ये हिरण सब यहीं पानी पीने आते हैं। तो बहुत खूब वाइल्ड लाइफ आती है, हर रोज़ करीब 1000 जानवर इस जगह पानी पीते हैं। आप सब मित्रों का इसमें सहयोग रहा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। और ऐसे ही हम लोग अच्छी लोकेशंस देख के जहाँ पे हिरणों के लिए कहीं सार्थक सिद्ध हो सके तो वाटर पॉइंट बनाते रहेंगे। आप सबका जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।